हेलो, दिस इज जगदम्बा सिंह, वेलकम्स यू ऑल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द 11th पार्ट। इसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने 5-year प्लान्स को एक एक करके रीड आउट किया, उसको समझने की कोशिश की। अब हम लोग फाउंडेशन, आज का टॉपिक है फाउंडेशन, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आउटकम्स निकल के आए इन 5-year प्लान्स के। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी एन असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ दिस अर्ली फेज ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ये जो डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग की गई 5-year प्लान्स की, उसके क्या आउटकम्स निकल के आए, इसको हम लोग आज के वीडियो में जानेंगे। वी शैल एक्नॉलेज द फैक्ट दैट दिस पीरियड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ वे आर लेट। हम लोगों को ये बात समझना होगा कि ये जो उस समय चीज़ें की गई इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, ये एक फाउंडेशन बिल्डअप था इंडियन इकोनॉमिक के लिए, जो आगे मदद देने वाली थी पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया की। तो दिस इंक्लूडेड मेगा डैम लाइक्स भाकर नागला एंड हीराकुंड फॉर एरीगेशन एंड पावर जनरेशन। इसमें मेगा प्रोजेक्ट्स लाए गए, जैसे डैम को इस्टेब्लिश किया गया। इनमें दो बड़े डैम्स थे, भाकर नागल और हीराकुंड डैम। इसके जरिए लोगों को एरीगेशन प्राप्त हुआ और बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि एक डैम जो होता है वो मल्टीपर्पज़ होता है और उससे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। जैसे एरीगेशन का काम तो होता ही है, उससे पावर का जनरेशन होता है। इसके अलावा ये फिशिंग के काम में भी यूज़ किया जाता है डैम्स को। नेविगेशंस उपलब्ध होती हैं, बोट्स के जरिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और बहुत सारे काम इसके द्वारा किए जा सकते हैं। ये फ्लड कंट्रोल में भी काम करता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इन चीज़ों को उस समय इस्टेब्लिश किया गया और ये एक फाउंडेशन बिल्डअप था नेशन की इकोनॉमी का। सम ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज इन द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे हैवी इंडस्ट्रीज को भी इस्टेब्लिश की गवर्नमेंट ने, जैसे स्टील प्लांट लगाए गए, ऑयल रिफाइनरीज लगाई गई, मैन्युफैक्चरर यूनिट्स बैठाए गए और डिफेंस प्रोडक्शन में भी उस दौर में काम किया गया। तो वे आर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये सारे काम इस पीरियड के दौरान किए गए और ये एक फाउंडेशन की तरह था इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आगे चल के जो और चीज़ें होने वाली थी, और चीज़ें बढ़ने वाली थी, वो इन बेसिक चीज़ों पर ही आधारित था। इसलिए एक फाउंडेशन बिल्डअप इसको हम लोग कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के लिए उस समय किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वॉज इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली। तो इस दौरान हम लोग देखते हैं कि केवल डैम्स और इस टाइप के प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज ही नहीं इस्टेब्लिश हुए, बल्कि ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए गए। जैसे सड़कों का निर्माण किया गया और कम्युनिकेशन के क्षेत्र को और डेवलप किया गया इस पीरियड में। ऑफ लेट सम ऑफ दिस मेगा प्रोजेक्ट्स हैव कम फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म। ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें जो हो रही थी वो तारीफ ही बटोर रही थी, उस समय बहुत आलोचना का भी केंद्र बनना पड़ा। क्योंकि जैसे डैम्स जैसे जब प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो वहाँ आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको अपने हैबिटेट से हटना पड़ता है, तो ये एक दुखद बात होती है। इसके लिए कई आंदोलन भी हम लोगों ने पास्ट में हुए थे। तो इन चीज़ों को हम लोग एक्नॉलेज करते हैं कि केवल ये तारीफ ही ये काम नहीं बटोर रहे थे, बल्कि लोगों में इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। येट मच ऑफ द लेटर इकोनॉमी ग्रोथ इंक्लूडिंग दैट बाई द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट हैव बीन पॉसिबल इन द एब्सेंस ऑफ दिस फाउंडेशन। हम लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स बाद में ग्रोथ किए, अगर ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक प्रोजेक्ट्स ना होते तो शायद जो बाद में ये ग्रोथ देखने को मिला प्राइवेट सेक्टर में, ये देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि उस प्लान के जरिए, 5-year प्लान्स के जरिए बहुत सारे काम किए गए, चाहे वो बड़े बड़े डैम्स इस्टेब्लिश करने हो या फिर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करना हो। बहुत सारे इंडस्ट्रीज किए गए इस्टेब्लिश उस समय पब्लिक सेक्टर के। साथ में गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया, रोड बिल्ड किए गए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम किया गया। तो इस तरह देख रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस समय किए गए और इनकी आलोचना भी सरकार को झेलनी पड़ी। एज वी ऑल नो दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस द इंडियन पॉपुलेशन वॉज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। तो ऐसे स्थिति में लैंड रिफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी था। जब पहला जो 5-year प्लान जिन लोगों ने प्लान किया, उन लोगों ने उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया था कि मोस्ट ऑफ द लैंड वेयर इन द हैंड्स ऑफ लैंड लॉर्ड्स, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। और कुछ ऐसे लोग थे या ज़्यादातर ऐसे किसान थे जिन जो लैंडलेस थे और उनको उन लैंड लॉर्ड्स के अंडर में काम करना पड़ता था। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए लैंड रिफॉर्म्स का लाना बहुत ज़रूरी था और उन लैंड लॉर्ड्स के हाथ से ज़मीनों को लेना बहुत ज़रूरी था।
और इन लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इसके लिए सरकार ने क्या लैंड रिफॉर्म्स लाए, उनको हम लोग समझते हैं आउटकम के रूप में कि इन द एग्रीगेरियन सेक्टर द पीरियड विटनेस्ड ए सीरियस अटेम्प्ट एट द लैंड रिफॉर्म। उस समय बहुत सीरियसली लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत थी इंडिया को। तो एबोलिशन ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदार्स, तो ये जमींदार कहे जाते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो थे देवर कॉल्ड एज जमींदार्स, और इन जमींदारों से अंग्रेज जो थे वो पैसे लिया करते थे। तो लैंडलेस लोगों को ये वर्क कराते थे जमींदार, और ये सारे लैंड्स के मालिक यही जमींदार थे, और ये लैंडलेस लोगों से काम करवाते थे, और फिर जो उपज का एक भाग वो लोग अंग्रेजों को दिया करते थे। तो अंग्रेज का प्रश्रय था जिसके अंडर में ये फल फूल रहे थे जमींदार। तो इस सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत थी लैंड रिफॉर्म के जरिए। तो सरकार ने कुछ नियम बनाए, रिलीज लैंड फॉर्म्स द क्लचेज ऑफ ए क्लास दैट हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इन जमींदारों को बहुत कम इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर करने में, क्योंकि ये खुद से कुछ भी नहीं करते थे, ये जो लैंडलेस लोग होते थे उनके द्वारा सारा काम किया जाता था उनके लैंड्स पे, और एक मोटी रकम वो कमा लेते थे इन लैंड्स के जरिए। इट ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड्स टू डोमिनेट पॉलिटिक्स, और ये इतने अमीर हो चुके थे उस दौर में कि ये पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करते थे, और आसान नहीं था कि इनके खिलाफ कोई कानून इंडिया में बन सके। टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वे आर मच लेस सक्सेसफुल। दो नियम बनाए गए, दो लॉज बनाए गए उस समय इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि किसी तरह ये लैंड्स लैंडलॉर्ड के से ली जाए और इसको लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसके लिए दो लॉज बनाए गए, उनको हम लोग देखते हैं। थ्रू द लॉ वे आर मेड टू पुट एन अपर लिमिट और सीलिंग, एक सीलिंग का कानून लाया गया और एक अपर लिमिट तय कर दी गई कि इस इतनी जमीन से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर ज़मीन होगी तो उसको गवर्नमेंट वापस ले लेगी ज़मीन को, और उसको लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इसको हम लोग सीलिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये सीलिंग एक्ट उस समय पास किया गया टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन पर्सन कुड ओन, कि कितना एक व्यक्ति के पास लैंड होना चाहिए ये सीलिंग एक्ट में बताया गया, और कहा गया कि इससे ज़्यादा अगर ज़मीन होगी तो उसको गवर्नमेंट ले लेगी और लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। पीपल विल एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेड द लॉज, और इस तरह से अगर ज़्यादा ज़मीन किसी के पास होगा तो उसको माना जाएगा कि वो कानून का उल्लंघन कर रहा है। सिमिलरली दूसरा लॉ जो था, द टीनेंट्स हु वर्क ऑन समवन एल्स लैंड, कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे या लैंडलॉर्ड के ज़मीन पे वर्क कर रहा है बहुत एक लंबे पीरियड से, तो वो अगर क्लेम करता है तो वो ज़मीन उसको दे दी जाएगी, ऐसा कानून पास किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये दो कानून जो पास किए गए, एक में अपर लिमिट सेट कर दिया गया कि इस लिमिट से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति के पास ज़मीनें नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो कानून के खिलाफ माना जाएगा और उससे ज़मीनें वापस ले ली जाएंगे और उस ज़मीन को लैंडलेस लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और दूसरा कानून ये कहता था कि जो व्यक्ति किसी ज़मींदार के अंडर में बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, अगर वो क्लेम करता है कि इस ज़मीन पर मैं 10 साल 12 साल 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऐसे ज़मीनों को उसे दे दिया जाएगा, उस लैंडलेस लेबर को दे दिया जाएगा। तो ये दो कानून उस समय लैंड रिफॉर्म्स के रूप में लाए गए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। नाउ वी विल सी हाउ दिस लॉज वेयर इफेक्टिव एट दैट पीरियड। इट वॉज नॉट ईजी टू टर्न वेल मीनिंग पॉलिसीज ऑन एग्रीकल्चर इन टू जेन्युइन एंड इफेक्टिव एक्शन। इस कानून को एक सही ढंग से इम्प्लीमेंट करना उस समय बहुत कठिन था। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि इनएबिलिटी टू मोबिलाइज रूलर लैंडलेस पुअर। इस कानून को बताना जो लैंडलेस और पुअर जो किसान थे उन तक इस बात को पहुंचाना कि ऐसा कोई लॉ बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलिटरेसी भी थी उस समय और ये लैंडलेस लेबर्स बहुत ही कमज़ोर थे इकोनॉमिकली, तो ऐसे में इन तक ये बात को पहुंचाना कि इस तरह का कानून बना है, आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये चीज़ें उन तक पहुंचाना बहुत ही कठिन काम था। लैंड ओनर्स वे आर वेरी पावरफुल एंड वील्डेड कंसिडरेबल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ये लिटरेट भी थे और कानून से बचने के तरीके भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिए थे। यानी कि ये कानून जब बना तो इसको इफेक्ट में लाने में सरकार को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। मैनी प्रपोजल्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वे आर आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इन टू लॉज, बहुत सारे लॉज में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाए, क्योंकि ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये बचना जानते थे इस कानून से और ये बच के भी निकल गए। जैसे कि एक कोई लैंडलॉर्ड है, उसके पास जो सीलिंग है उससे ज़्यादा ज़मीन है, सीलिंग का लॉ जो था उससे ज़्यादा ज़मीन अगर उसके पास है
तो वो ऐसा शो करता था कि उसने अपने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया है और उसके नाम से आधी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता था, या अपने बड़े बेटे को जो एडल्ट हो चुका है उसको दिखाता था कि उसको घर से निकाल दिया गया है और उसको आधी संपत्ति दे दी गई है। तो इस तरह करके उन्होंने बचने के बहुत सारे उपाय ढूंढ लिए थे इन लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, कानून के लूप होल्स ढूंढ लिए गए थे इस कानून के। और वो एजुकेटेड भी थे, उनको समझ थी हर बात की, तो लैंडलेस लोगों पे उनका डोमिनेंस भी था बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें उस समय वर्क कर रही थी और ज़्यादातर कानून जो बना वो केवल पेपर पे ही रह गया और उसको इम्प्लीमेंट करने में जो उस समय की गवर्नमेंट थी वो नाकामयाब सिद्ध हुई। तो बच्चों, ये आज का हम लोगों ने टॉपिक देखा, जो जिसमें हम लोगों ने देखा कि 5 ईयर प्लान में बहुत सारे फाउंडेशन इंडस्ट्री के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में सामने आए और बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए गए जिससे इरीगेशन और पावर जनरेशन का काम हो सके, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर में इंडस्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की गई। तो डेवलपमेंट तो हुआ लेकिन लैंड रिफॉर्म में गवर्नमेंट फेल सिद्ध हुई। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।